नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो वंदना एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साल 2020 के उस महीने की जिसे गुलाबी ठंड का महीना और सर्दियों की शुरुआत का महीना कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवंबर माह की। इस बार नवंबर के महीने में ही करवा चौथ, दीपावली और छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। तो चलिए, आज हम आपको मासिक राशि फल के जरिए बताएंगे कि नवंबर माह में किन किन राशियों का होगा नफा और किन का होगा नुकसान। इसके अलावा ग्रहों की चाल से आपके हालात बदलेंगे या नहीं, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही साल 2020 में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में और राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की 12 राशियों के मासिक राशि फल के बारे में। उससे पहले, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। दर्शकों, नवंबर का महीना आ रहा है, दीपावली का शुभ त्योहार आ रहा है। कौन से चार ग्रहों की राशि परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है? तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे सबसे पहला राशि परिवर्तन सूर्य का, जो कि अपनी नीच राशि तुला से 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। दूसरा परिवर्तन शुक्र ग्रह का होगा, जो कि अपनी नीच राशि कन्या से अपनी ही राशि तुला में 17 नवंबर को प्रवेश करेंगे। और तीसरा परिवर्तन बृहस्पति ग्रह का होगा, जो कि अपनी ही राशि यानी कि धनु राशि से निकलकर अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन होगा 20 नवंबर को। और इससे अगला परिवर्तन बुध ग्रह का होगा, जो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य केतु के साथ युति बनाएंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन 28 नवंबर को होगा। तो दर्शकों, देखते हैं यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव लाते हैं। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने मकर राशि के जातकों के लिए बात की थी, अब इस वीडियो में हम कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे कि ये नवंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिए यह माह उत्तम रहने की संभावना है। वह सभी के साथ आपका मेलजोल और बढ़ेगा। पुरानी मतभेद सुलझेंगे। अपने पिता के स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें। किसी बात को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। ऐसे में आपके परिपक्व व्यवहार से सभी लोग प्रसन्न होंगे। नवंबर के महीने में करियर के क्षेत्र में सामान्य रिजल्ट मिलेंगे। सोच समझकर पैसे खर्च करें। व्यापारियों को सजग रहने की आवश्यकता है तथा बाजार पर नजर बनाए रखें। नौकरी कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। किसी वाद विवाद में ना पड़े। सरकारी अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं। छात्रों की बात करें तो उनके लिए यह माह अनुकूल है। शिक्षा में मनचाहे परिणाम मिलेंगे, परंतु अपने सहपाठियों के द्वारा उन्हें निराशा हो सकती है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह आपको सफलता मिलेगी। किसी भी अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि भविष्य में यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह माह प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य रहेगा। आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की आशंका है। किसी भी समस्या को लेकर अपने पार्टनर से खुल के बात कर सकते हैं। यदि आप विवाह होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो सगे संबंधियों में से कोई आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। माह के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप में आप स्वस्थ रहेंगे, पर माह की शुरुआत में तनाव हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को रोज सूर्योदय के समय गणेश स्तुति का जाप करना चाहिए, लाभ मिलेगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये राशिफल जरूर पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।